हेलो, वेलकम टू फिट अथॉरिटी विद डाइटिशियन प्रिया मित्तल। सो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और अगेन आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। मुझे कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आज एक डिस्कशन मेरा किसी के साथ हुआ, तो इसके बाद मुझे सडनली लगा कि मुझे लाइफ का कुछ प्लान करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि आज आपके साथ मीटिंग बहुत ज़रूरी है, वो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा बस वेट करेंगे एंड आई वांट कि मैक्सिमम लोग इस डिस्कशन का पार्ट बने। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैलोरीज हमारे लिए कितनी मैटर करती हैं। क्या एक्सेस कैलोरी लेना या कैलोरी डेफिशिट डाइट लेना वो हमारे लिए हेल्दी है? क्या वो तरीका हमारा सही है या वो तरीका हमारा गलत है? तो इस सेशन के बीच में किसी एक जो भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट्स आते हैं, जनरली लोग अपनी क्वेरीज करते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन से पिक करूँगी आज। पिक एज इन की जो क्वेश्चन मुझे सबसे बेस्ट लगेगा वहाँ उनको एक फ्री कंसल्टेशन भी मेरी साइड से रहेगा और सेशन के एंड में वो नेम डिक्लेयर हो जाएगा इस पर्सन का। तो यहाँ पर आज हम जो मेजरली डिस्कस करेंगे हमारा किचन बेस्ड फूड कैसा होता है, बाहर की चीज़ें डाइट में कैसी होती है, कितना न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। हेलो सारिका जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप सभी आप लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक हैं। बिकॉज कोविड अभी भी चल रहा है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो सभी को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, अपना एक हेल्दी डाइट लेने का, वर्कआउट के लिए टाइम निकालने की बहुत ज़्यादा इस समय रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमने सारा देखना है। सो अब सेशन को और डिले ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा कंसर्न है वो है कि हम लोग जब भी डाइट लेते हैं तो किस तरह की डाइट वो हमारी होनी चाहिए, है ना? तो मैं आपको आज जो स्टोरी बताने वाली हूँ उससे शायद आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएँ, क्योंकि ये कोई स्टोरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कोई कुक्ड स्टोरी है, इट्स अ रियल थिंग। क्योंकि आज एक पेशेंट का मेरे साथ कंसल्टेशन हुआ, दैट पेशेंट वाज फ्रॉम केरला। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की, आई कांट शेयर हर नेम, आई कांट डिस्क्लोज हर नेम। सो क्या हुआ था, उन्होंने लास्ट ईयर 2019 में वेट लॉस करना स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं वेट लॉस। हमने खाना खाना छोड़ दिया, हमने डिनर स्किप करना शुरू कर दिया, हमने सोचा कि नहीं मैं तो जंक कट डाउन नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाना ही पसंद करती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक बार कुछ लंच में हैवी ले लिया और ब्रेकफास्ट और लंच हम छोड़ देते हैं या डिनर हम छोड़ देते हैं, कोई भी एक मील में करूँगी लेकिन अपने मर्जी का मैं करूँगी। तो बहुत सारे लोग जब पेशेंट्स मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा हमने करने का ट्राई किया था, लेकिन ये केस मेरे लिए सबसे सीवियर इसलिए था या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला इसलिए था। शी वॉज अ वेरी यंग गर्ल, शी वॉज जस्ट 22, राइट। उन्होंने लास्ट ईयर जब अपना वेट ड्रॉप किया तो उस समय ऑलमोस्ट उनका वेट, उनकी अगर हम बात करें हाइट के अकॉर्डिंग, उनके वेट जो था वो 40 kg ज़्यादा था। तो उन्होंने उसके बाद भी क्या कोशिश की, उन्होंने 59 kg पूरे ईयर में ड्रॉप किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ किसी की हेल्प नहीं ली, सिर्फ वो अपने आप करते रहे, एज इन कि उसमें उन्होंने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कैलोरीज को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। और जनरली मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो वो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि आप हमें कितनी कैलोरीज की डाइट दे रही हो। डाइट हमेशा आपकी कैलोरीज से रिलेटेड नहीं होती, कैलोरी बेस्ड डाइट कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ आपने कैलोरीज को काउंट करके डाइट लेनी है तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की रिक्वायरमेंट है। आप सारा खुद से कर सकते हैं। आप एक कैलोरी काउंट कैलकुलेटर आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो फ़ोन में और उससे आप करना स्टार्ट कर सकते हैं सारा कुछ। तो उन पेशेंट ने क्या करा, खुद से सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 आते हुए ऐसा हो गया कि उनको सडनली उनका BP लो होना स्टार्ट हो गया। BP लो होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद उनको जॉइंटिस हुआ, जॉइंटिस के बाद उनको हेपेटाइटिस हुआ, उसके बाद उनका क्या हुआ कि सडन उनका फेंट होना स्टार्ट हो गया। जब वो सडन फेंट होना स्टार्ट हुई तो बाद में पता चला कि उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि ब्रेन का भी अपना फंक्शन है, हर चीज़ को बॉडी को रन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो उन्होंने जो उनका ब्रेन का फंक्शन था वो भी काफ़ी कम हो चुका था। इसके बाद ईयर के एंड तक आते आते जो उनके साथ हुआ वो ये हुआ कि उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई, उसने वर्क करना बंद कर दिया। सिर्फ 22 इयर्स की एज में हमने बिना सोचे समझे इतना कुछ कर लिया जिसका शायद हमें लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहने वाला है। या आई विश कि वो ठीक भी हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे अब मेडिसिन चल रही हैं, एंड वापस जब उनकी मेडिसिन स्टार्ट हुई तो बॉडी में जो हार्म हुए वो तो हुए, साथ में क्या हुआ उसके साथ साथ उनका जो वेट था वो ऑलमोस्ट 70, उनका वेट उन्होंने ड्रॉप किया था, लाइक 70 तक वो आकर रुकी थी। इसके बाद जो उनका वेट, अगर मैं कहूँ कि अभी उनका करेंट वेट क्या है, उनका वेट ऑलमोस्ट यहाँ पर 105 अभी हो चुका है। आप सोचो कि उन्होंने मेहनत किस लिए की थी, उन्होंने ट्राई किस लिए किया था। तभी हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते हैं कि हमारे आइडिया से हम लोग कभी सक्सेस हमें नहीं मिल सकती, आइडियाज एज इन कि हमारे शॉर्टकट से कभी हम कुछ ऐसे अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप लोग भी कुछ डाइट्स लेते हैं या आप लोग भी जो अपना मेन्यू प्लान करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमेशा आपने ये ट्राई करना है कि किस तरह की चीज़ें आप लेना स्टार्ट करें। तो वो सब आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को आप समझें, राइट। तो यहाँ पर लाइक मेरे पास क्वेरीज आती जा रही हैं। मेरे पास ऋतिका जी का यहाँ क्वेश्चन है, कैन PCOS हैपन अगेन? डेफिनेटली ऋतिका जी, PCOS हमें बिल्कुल हो सकता है। बस PCOS क्या है? PCOS आपका कोई डिजीज़ नहीं है, इसका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। PCOS को क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन रिवर्स इट। लेकिन अगर डाइट में आप बार बार गड़बड़ी, जो लाइक डाइट में क्या होता है, हम लोग काफ़ी बार गड़बड़ करना स्टार्ट करते हैं। एक बार वो हमारा लाइक फिक्स हुआ भी तो हमें क्या लगता है कि नहीं ठीक है, अब हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं, ठीक है, आपको वेट ड्रॉप हो ही गया। PCOD की वजह से आपका वेट पुट ऑन होता है, वेट पुट ऑन होने की वजह से आपको PCOD नहीं होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप डाइट लेते हैं तो आप इस तरह की डाइट लें। आप हमेशा सिर्फ, हमने कैलोरी बेस्ड डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि उस लॉन्ग रन में सिर्फ हमारी बॉडी को हार्म ही होने वाला है। हमें ये चेक करना है कि हमारी बॉडी को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम में हमें लेना है, किस पोर्शन में हमने लेना है ना। और देखिए, हर घर का अपना एक कुकिंग मेथड होता है, तो हमने उस कुकिंग मेथड को चेक करना ज़रूरी है कि हमारे जो घर का कुकिंग मेथड है क्या वो ठीक है, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो फूड है उसको प्रॉपर्ली कुक ना करते हों, या उसको हम ओवर कुक करते हों, उसको हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हों, या जो बाहर से आजकल वेजिटेबल्स आती हैं, अब तो खैर कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी क्या होता था कि हम लोग वॉश करते हैं कुछ घरों में, मैंने देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग उस चीज़ को केयर नहीं करते, स्पेशली जो बच्चे बाहर रहते हैं, PGs में रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, या आजकल मैं कहूँ लोग वर्किंग है, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। तो अगर आप बाहर से किसी की हेल्प भी ले रहे हो, डोमेस्टिक हेल्प भी आपके पास है, तो एटलीस्ट आप एक चेक रखते रहो क्या वो सारी चीज़ें किचन में ठीक से आ रही हैं या नहीं आ रही। वो चीज़ें देखना, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप वेजिटेबल्स लेकर आएँ तो पहले तो ये चेक करें कि वो फूड या फ्रूट आपका किस तरीके का है। जैसे मेरा लास्ट सेशन लाइक एक सेशन आया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो फूड है ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। तो उसकी मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताई थी, तो उस चीज़ के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। फूड के साथ साथ हम फूड तो ऑर्गेनिक हम लेकर आ गए, एक्चुअल में ऑर्गेनिक भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी तो बहुत ट्रेंड में चल गया है ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, बट नथिंग इज़ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एज इन ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना। तो ऑर्गेनिक तो सिर्फ एक ब्रांड काइंड ऑफ बन चुका है। तो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं होता। हमने बस ये चेक करना है कि जो फूड या जो भी हम लाइक ग्रेन्स ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं वो किस तरह से उनको उगाया गया है, वो हमने चेक करना है। या आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप ये चेक कर, ये ट्राई कर सकते हो। हम लोग अपने घर को भी डेकोरेट करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चों के लिए आजकल हम लोग टॉयज़ लेकर आते हैं, तो हम लोग काफ़ी, मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो ये देखते हैं कि ऐसा ना हो कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चे ने जब टॉयज़ लेते हैं तो मुँह में भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, खेलते टाइम, खेलते समय। तो इस तरह से हमने क्या चेक करना है, हमने ये भी चीज़ चेक करना है, जो चीज़ हमारे अंदर जा रही है, जो चीज़ बच्चों के पास तक जा रही है, क्या वो फ्रूट या फूड जो हमने लिया है वो ठीक से कल्टिवेटेड है या नहीं। तो आपके लिए अगर पॉसिबल है तो घर में आप किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं। एटलीस्ट वहाँ से आपको पता होगा कि चीज़ें किस तरह से आपके पास आ रही हैं, किस फॉर्म में आ रही हैं। ओवर ईटिंग नहीं करना, जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, हम लोग खुश करते रहते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत वीक लग रहे हो, आप ये खाओ, आप ऐसे खाना स्टार्ट करो। तो वो सारी चीज़ें हमने नहीं करनी है। सो यहाँ पर लोग मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, आज का जो हमारा सेशन चल रहा है, ये हमारा सेशन चल रहा है कि हमने किस तरह की डाइट लेनी है। हमने जो डाइट हम ले रहे हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ कैलोरी बेस्ड डाइट हो, तो उन सारी चीज़ों को देखना है। तो यहाँ सारिका जी का क्वेश्चन आ रहा है, मैम मुझे थायराइड है, 75 mg टैबलेट लेती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ अपना वेट लॉस के लिए? देखिए, वेट लॉस के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड के साथ साथ हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो वेट लॉस नहीं आ रहा है, वेट लॉस सिर्फ थायराइड की वजह से नहीं आ रहा है या उसके और फैक्टर्स तो नहीं है। वेट गेन होने के या वेट ना लूज करने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स में एक फैक्टर है कि आपका स्ट्रेस लेवल शायद बहुत ज़्यादा हो, आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा ना हो, या हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हों, या हो सकता है आपकी कुकिंग मेथड में आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी इसके अगर हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हैं, तो हो सकता है कि देखिए हर बॉडी के रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी की मेडिकल इश्यूज अलग होते हैं। तो हमने ये चेक करना है थायराइड के अकॉर्डिंग किस तरह की बॉडी रिक्वायरमेंट मेरी बॉडी को है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिस चीज़ से थायराइड ट्रिगर होती है मैं उन चीज़ों को भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे या चीज़ों को आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड बाकी अगर हम बात करें कि किस तरह की डाइट हमारी होनी चाहिए, तो डाइट जनरली किस तरह की हमारी होनी चाहिए, हमने ये चेक करना है कि जो हमारी डाइट है क्या उसमें कार्ब्स हैं या नहीं, उसमें प्रोटीन्स हैं या नहीं, उसमें फैट है या नहीं, उसमें फाइबर है या नहीं, अगर है तो वो किस क्वांटिटी में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक वो हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पोर्शन साइज हमारा गलत हो, या ऐसा तो नहीं है वो टाइमिंग हमारा गलत हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें उसके अपोजिट हो। तो ये चीज़ें जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, या आप ये देखोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी वो उनका पेस कम होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम, जैसे मैंने कहा वेट लॉस की हम बात करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें आप कुछ टैबलेट्स दे दो, कुछ सप्लीमेंट्स दे दो। क्या आपको लगता है कि वो टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं? वो बिल्कुल आपको हेल्प नहीं करने वाले। बिकॉज हमारे घर में एक बड़ा प्यारा सा किचन है सभी के यहाँ पर, और उसमें इतनी सारी मेडिसिन्स हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। बात करें अगर हमारे कुछ कई साल पुरानी अगर हम बात करें, अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो उस समय तो मेडिसिन्स होती ही नहीं थी। मेडिसिन्स किसको बोलते थे? जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमें हमारे नेचर से मिलती हैं, वो हम सारी चीज़ें बोलते थे कि हमारे पास इन चीज़ों से हम क्योर कर सकते हैं। तो आज जब हम लाइक अभी कोविड की वजह से क्या हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, या मैं कहूँ थोड़ा सा हम इन चीज़ों को फिर से वापस से अपनी रूट से कनेक्ट होने लगे हैं, चाहे मैं आयुर्वेद की बात करूँ या योग की बात करूँ। तो उस चीज़ के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है जो डाइट में आप सारा कुछ ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ चीज़ें आप गड़बड़ कर रहे हो। बाकी इसमें अगर मैं बात करूँ कि लाइक योग की अगर मैं बात करूँ, तो योग की बात के लिए क्या है यहाँ पर कि योग के लिए हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि सिर्फ हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कहीं से। हमें कॉपी नहीं करना, क्योंकि जिस हर चीज़ के फ़ायदे हैं उस हर चीज़ के नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग किस तरह का योग हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कुछ हमारे हर्ब्स की, तो हमारे बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट डिटॉक्स थेरेपीज़ होती हैं, डिफरेंट वाटर डिटॉक्स थेरेपीज़ होती हैं। तो किस तरह का डिटॉक्स वाटर हमारे लिए अच्छा है, किस क्वांटिटी में लेना है, किस टाइम में लेना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सारिका जी ने मुझे यहाँ पर पूछा था, थैंक यू सो मच निशू जी। सारिका जी ने मुझे यहाँ पर जैसे पूछा कि मैं टैबलेट लेती हूँ अपने वेट लॉस के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ? तो अगर मैं आपके लिए बताऊँ तो आपके लिए जो बेस्ट वाटर है जो आपने लेना चाहिए वो है आपका धनिया वाटर। आपने क्या करना है, आपने रात में एक कांच वाला ग्लास लेना है, उसमें आपने 1 स्पून कोरिएंडर सीड्स अपने ऐड करने हैं। मॉर्निंग में उस वाटर को आपने बॉईल करके छान कर लेना है, उससे आप देखोगे आपका TSH भी फिर से थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में उससे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अगेन आपका उसमें जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका उसमें देखोगे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो वाटर रिटेंशन हो रहा है उसमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने ज़रूर से करनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम करते रहते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हमें। बाकी वाटर इनटेक, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में क्या हो चुका है, हमारा जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। हमें टाइम ही नहीं है पानी पीने का, हम कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम कहते हैं कि नहीं बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज़ होती है इसलिए ऑफिस में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हमें एक साथ प्रॉब्लम होती है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, हमारे ऑफिस की छुट्टियां हो जाए, घर का शेड्यूल इधर से उधर हो जाए, बच्चों की केयर उस समय ना हो पाए, तो वो हमें चलेगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्योंकि चीज़ें वर्स्ट नहीं हो रही हैं इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जब वर्स्ट हो जाएंगे हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अभी हमें उस खराब होने का वेट क्यों करना है, हमें कोशिश ये करनी कि जो चीज़ अभी हमारे पास है उसमें से बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसमें से वर्स्ट क्या ना हो वो हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना स्टार्ट करें। आपका ब्रेकफास्ट आपका डे डिसाइड करता है कि आपका डे कितना एक्टिव होने वाला है, क्योंकि आपका डे बहुत ज़रूरी है। आपका डे की बात करूँ स्पेशली हमारा ब्रेकफास्ट, तो जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा जिसमें भी आप फेथ रखते हो, जनरली घरों में क्या होता है वो सॉन्ग्स प्ले हो जाते हैं। कोई जीसस को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, कोई हमारे गुरु जी को मानता है ना, कोई कान्हा जी को मानता है, कोई अल्लाह अकबर को मानता है, सभी के अपनी बिलीफ्स हैं। तो आपने देखा होगा हर सुबह हमें एक अच्छे भजन की, अजान की, या जिसमें भी जिसका बिलीफ है उस सबकी हमें आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी कैसी है, जितना भी हम पॉजिटिव सुनेंगे या पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमें फिट रखने में, हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी हमने देखना है। तो इसलिए हमारे खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, सुनना स्टार्ट करें, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत सारा हमारे पास है, पॉजिटिव उससे भी ज़्यादा है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो हमारे विज़न की। हमारा विज़न जितना अच्छा होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, लाइफ के टुवर्ड्स चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएंगी। तो इसलिए जब भी अपना आप डे स्टार्ट करते हो, हमें स्ट्रेस के साथ डे स्टार्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, बस मॉर्निंग में उठते हैं, हम बस घड़ी देखना स्टार्ट करते हैं, नहीं आई एम गेटिंग लेट, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। इतनी हसल बसल भरी ज़िंदगी क्यों? आज हम हैं तो किस लिए? हम इसलिए हैं ना कि हमें अच्छे से रहना है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी रहे, हमारी फैमिली अच्छे से रह पाए, हम हेल्दी रह पाएँ, है ना, अच्छा सा हम खा पाएँ। तो अच्छे से खाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अच्छी क्या चीज़ होती है? अच्छी वो हर वो चीज़ अच्छी है जिससे हमारा मन खुश रहे, जिससे हम हेल्दी रहें। तो जिस जंग से पल भर की खुशी के बाद हमें आगे प्रॉब्लम्स ही होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। क्या आपको लगता है वो चीज़ अच्छी है? वंस इन अ वाइल अगर आप प्लान करते हो इट्स वेरी गुड थिंग, लेकिन डेली बेसिस पर उसको हम प्लान करना स्टार्ट करें मीन्स वी आर इन्वाइटिंग आवर प्रॉब्लम कि आओ और हमें परेशान करना स्टार्ट करो। कहते ना कि लाइक बुरे लोगों की ना दोस्ती अच्छी, ना लड़ाई झगड़ा अच्छा, तो उनसे दूरी बनी। तो ऐसे ही हमारा जंक फूड है, जितना पास आता जाएगा हमें अच्छा तो लगेगा, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स हमारे लिए लाता जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूर से चेक रखना है कि हम किस क्वांटिटी में उनका हम लोग इनटेक कर रहे हैं, किस टाइम में उनका हम इनटेक कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट का फंक्शन आपको होता है कि आपको हेल्दी रखना, आपकी बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ पूरी करना। लेकिन डाइट का मतलब काफ़ी लोग सिर्फ ये समझते हैं कि आपने कैलोरी कट डाउन कर दी डाइट से तो आप डाइट हो गई, बट नहीं, इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो वेट लॉस करना तो बहुत आसान हो जाता, और एक्चुअल में वेट लॉस और वेट गेन कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे माइंड में है, डाइटिशियन का काम है। डाइटिशियन का जो रोल आता है वो आता है कि आपकी बॉडी को कम में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स कैसे दे पाएँ। आपकी डाइटिशियन का रोल होता है वहाँ पर कि किस चीज़ से हेल्दी में से भी आपको हेल्दीएस्ट ऑप्शन वो दे पाएँ आपके बॉडी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारा पर्पज़ हमेशा ये होता है, जैसे मैं जनरली ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर जब भी इंक्वायरीज आती हैं, लोग कंसल्ट करने के लिए आते हैं, तो मेरे हेल्थ केयर काउंसलर मुझे बताते हैं कि लाइक कुछ पेशेंट्स का ये कि हमें 1 वीक का ट्रायल दे दो। तो आई एम नॉट गेटिंग दिस कि हम जब ट्रायल की बात करते रहते हैं तो व्हाट इज़ ट्रायल? ट्रायल होता ही क्या है, मतलब हेल्थ को लेकर कैसा ट्रायल? कभी हम डॉक्टर के पास भी नेवर आस्क योर डॉक्टर कि आप ना हमें फीवर हो रहा है, हम तो हमें 2 दिन दवाई लेकर देखते हैं, हम हमें ऐसे ही बता दो। क्योंकि जिससे इट्स नॉट अबाउट द लाइक मनी, इट्स नॉट अबाउट द मॉनिटरी टर्म्स, इट्स ऑल अबाउट कि हम अपनी हेल्थ को लेकर कितने सीरियस हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। हेलो सर। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लाइक देखती हूँ कि इन सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी अगर हम हेल्दी लाइफ की स्टाइल की बात करें तो सिर्फ आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनी डाइट में सिर्फ कैलोरी बेस्ड मत सोचो कि आपकी डाइट या आपकी कैलोरीज ये आपको हेल्दी रखती हैं। हेल्दी वो हर चीज़ आपको रखती है जिससे आपको लगता है कि आप फिट रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसमें हमें समझना है, वो चीज़ आपको हमेशा हेल्दी रखेगी। चाहे वो आपका वर्कआउट हो, क्योंकि वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में जब तक टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे आप हेल्दी नहीं रह सकते, राइट। आपका वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है, आपका लाइक फूड कंटेंट क्या है, फूड की क्वालिटी क्या है, उसका सोर्स क्या है, घर में आप कैसे उस चीज़ को कुक कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखना स्टार्ट करते हैं तो अगेन एक लाइफ हेल्दी रहना बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है, लाइफ स्टाइल हमारी बहुत बेटर और इम्प्रूव हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो इन लास्ट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी आपको कि जो भी आपका डाइट प्लान है या जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, उसमें आपने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपकी डाइट है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि आप खुद से प्लान करके उस कैलोरी बेसिस को प्लान कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग रन में आप बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हो, वो आपको लॉन्ग रन में परेशान ही करने वाली है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ उसको करना बंद कर दो, क्योंकि जो रिसेंट का जो आज का केस मैंने आपको बताया वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हॉरेबल केस था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि ये मैसेज आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये मैसेज आपके साथ शेयर किया। सो जैसा कि मैंने इनिशियली सेशन में कहा था कि आज एक पर्सन को यहाँ पर हम लोग जिनके क्वेश्चन मुझे ठीक लगेंगे उनको हम लाइक कंसल्टेशन हमारी उसके उनके लिए फ्री रहेगी, फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगी। तो यहाँ पर मैं जो चूज़ करती हूँ, मुझे क्वेश्चन जो सबसे ठीक लगा वो मुझे सारिका जी का क्वेश्चन सबसे यहाँ पर अच्छा लगा। तो सारिका जी आप मुझे प्लीज़ अपनी जो डिटेल्स हैं वो इनबॉक्स करिएगा, मेरी टीम से आपको कॉल आ जाएगा, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होंगी और उसमें मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी कि कैसे इस चीज़ को हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो कंसल्टेशन रहेगा इट गोना बी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी लाइव। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट फिर मैं मिलती हूँ किसी अच्छे सेशन के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।